नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी नर्मदा माई की। नर्मदा, नर्म का अर्थ होता है आनंद व सुख और दा का अर्थ होता है देने वाली, अर्थात नर्मदा जी का अर्थ हुआ सुख व आनंद देने वाली। नर्मदा जी को शास्त्रों में गंगा जी से अधिक पवित्र क्यों माना गया है? मत्स्य पुराण में नर्मदा जी की महिमा इस तरह वर्णित है कि कनखल क्षेत्र में गंगा जी पवित्र है और कुरुक क्षेत्र में सरस्वती जी, परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा जी हर जगह पवित्र हैं। यमुना जी का जल एक सप्ताह में, सरस्वती जी का जल 3 दिन में, गंगा जी का जल उसी दिन और नर्मदा जी का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा जी भी यहाँ स्नान करने आती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि गंगा स्नान से भी जो फल नहीं मिलता वो नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में नर्मदा नदी को गंगा नदी से अधिक पवित्र माना गया है। तो आइए दोस्तों, हम आपको नर्मदा जी की उत्पत्ति की कहानी, उनकी हृदय विदारक प्रेम कहानी और उनके बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। माँ नर्मदा की महानता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे इकलौती हैं जिस पर पुराण लिखा गया है, श्री नर्मदा पुराण। इस पवित्र नदी के अवतरण की कथा काफ़ी रोचक है, जिसका जिक्र वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। इसके अनुसार भगवान शिव अमरकंटक के मेखल पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। तेज गर्मी के कारण उनका शरीर तप रहा था और लगातार पसीना बह रहा था। इसी पसीने के प्रभाव से एक कन्या की उत्पत्ति हुई। ये कन्या शिव के चरणों में बैठ गई। फिर जब भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले तो उन्हें अपने सामने लगभग 12 साल की एक कन्या दिखाई दी। उन्होंने उस रूपवती कन्या का नाम नर्मदा रखा। इस तरह से नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई, और चूंकि वह मेखल पर्वत पर थी इसलिए आगे चलकर उन्हें राजा मेखल की पुत्री के नाम से जाना गया। नर्मदा जी ने भगवान शिव के आशीर्वाद से उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि प्रलय में भी तुम अविनाशी रहोगी, अर्थात प्रलय में भी तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा, तुम्हारे हर कण में मेरा वास होगा। यही कारण है कि नर्मदा जी में पाए जाने वाले हर पत्थर, हर शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा जाता है। इसके अलावा माँ नर्मदा ने अपने तट पर भोले पार्वती के साथ साथ सभी देवताओं के वास करने का भी वरदान प्राप्त किया है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं माँ नर्मदा जी की प्रेम कथा। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि वे राजा मेखल की पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग होने पर मेखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलाब काबली का दुर्लभ पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा मेखल्य की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार शोणभद्र आए और राजा की गुलाब काबली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और शोणभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मेखल्य ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार शोणभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार तो उन्हें देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जुहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा। जुहिला एक आदिवासी नदी है जो मंडला के पास बहती है, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और जुहिला वापस नहीं आई। इसके बाद तो राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई। तभी वह शोणभद्र के पास पहुंची और वहां जुहिला को उनके साथ देखा। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा ये अपमान सहन न कर सकी और शोणभद्र को छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। शोणभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे भागा, यह गुहार लगाते हुए कि लौट आओ नर्मदा, लौट आओ। लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था तो वह नहीं लौटी। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई,
जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। नर्मदा जी की प्रेम की एक और कथा मिलती है कि शोणभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों में साथ साथ पले बड़े। किशोर अवस्था में दोनों के बीच प्रेम का बीज पनपा। तभी शोणभद्र के जीवन में जुहिला का आगमन हुआ और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद नर्मदा को जब ये बात पता चली, उन्होंने शोणभद्र को काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन शोणभद्र नहीं माना। इसके बाद नर्मदा क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी और आजीवन कुंवारी रहने की कसम खाई। शोणभद्र और जुहिला ने नर्मदा को जाते देखा तो शोणभद्र को दुख हुआ। बचपन की सखी उसे छोड़कर आज जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा, लौट आओ। लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया था। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियाँ आई, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदिमजनों के इलाके में पहुँची। कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा जी का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा जी का एक और नाम रेवा है। रेवा का अर्थ होता है कूदते फांदते। नर्मदा जी ही एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। इनकी परिक्रमा भिक्षा मांगते हुए नंगे पैर करनी पड़ती है और नियम अनुसार करने पर इसमें 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन लगते हैं। पुरुषों के अलावा स्त्रियां भी ये कठिन परिक्रमा करती हैं। नर्मदा जी उम्र के मामले में गंगा जी से बड़ी हैं। जब ये अमरकंटक से निकलती हैं तो इनकी धारा को एक बच्चा भी लांग देता है। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ती हैं, इनकी चौड़ाई 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है। माँ नर्मदा के उद्गम स्थल से लेकर इनके समुद्र संगम तक करीब 10 करोड़ तीर्थ बने हैं। नर्मदा नदी में सभी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए इनके दर्शन मात्र से ही सभी पाप मिट जाते हैं। कहते हैं नर्मदा जब सागर में मिलती है तो यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि यह नर्मदा का अंत है या समुद्र का आरंभ। केवल नर्मदा जी ही हैं जिनका मार्ग अन्य नदियों की तुलना में ज़्यादा दुर्गम है। नर्मदा जी गड्ढों में कूदती, निकंजों में धसती, चट्टानों को तराशती और वन प्रांतों की बाधा तोड़ती भागती नज़र आती हैं। ऐसा लगता है जैसे वह हमें जीवन में आने वाले कठिन रास्तों से गुजरने का साहस देती हैं। वो हमें बताती हैं कि जीवन जीने के रास्ते में बाधाएं आती हैं और संघर्ष ही जीने का सलीका है। नर्मदा जी की कथा जनमानस में कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन चिरकुंवारी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और भावनात्मक उफान नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर संवेदनशील मन महसूस करता है। कहने को तो वो नदी है, लेकिन चाहे अनचाहे भक्तगण उनका मानवीकरण कर ही लेते हैं। पौराणिक कथा और यथार्थ के भौगोलिक सत्य का सुंदर सम्मिलन उनकी इस भावना को बल प्रदान करता है और वे कह उठते हैं नामिमी देवी नर्मदे। दोस्तों, इस वर्ष 19 फरवरी को नर्मदा जयंती है। आप सभी नर्मदा जी के तट पर जाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नामिमी देवी नर्मदे हर 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 नर्मदे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। नामिमी देवी नर्मदे हर।